तो हाथरस के हसयन विकास खंड के गांव नंगला मय के लोग खारे पानी की समस्या को लेकर कई दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। गांव के करीब 200 लोग हाथों में पानी दो या मौत दो और पानी के नाम पर पी रहे जहर की लिखी तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। लोगों ने बताया है कि उनके गांव में पानी खारा आ रहा है, पीने के पानी के लिए उन्हें करीब 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों ने जल्द समाधान न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। डीएम रमा शंकर मौर्य ने यह भी बताया है कि समस्या के बारे में जल निगम को बता दिया गया है और जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पीने के पानी से लोग कितने परेशान हैं, ये पूरा मामला बताने के लिए काफी है। खारे पानी की वजह से लोगों को कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती हैं। अब ऐसे में जरूरत है प्रशासन को अपना काम ठीक से करने की, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।